गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास सब कुछ बेहतर है क्लियर है अगर शुरुआत करें क्लास की और आज के 100 क्वेश्चन में लेकर आया हूं क्योंकि जो आपका बीपीएससी का टीयर थ्री का एग्जाम होने वाला है 19 जुलाई से एग्जाम्स की शुरुआत हो जाएगी 22 जुलाई को आई थिंक आपका एग्जाम है और 21 जुलाई को डी ट्रिपल एस बी वालों का भी एग्जाम है तो आप दोनों के एग्जाम को टारगेट करते हुए एक आखिरी क्लास में इकोनॉमिक्स की दे रहा हूं आप लोगों को क्योंकि इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की जो प्रैक्टिस क्लास है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कोई जरूरत नहीं होगी लेकिन आज की क्लास में मैं हंड्रेड क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन को हम ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं लेकिन आपके जो क्वेश्चन हैं उनके डाउट जरूर क्लियर करेंगे और लगभग अगले डेढ़ घंटे के अंदर हम इन सौ क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे भाई एक बार सभी लोग यस का कमेंट कर दें चले भाई शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिए और जहां डाउट लगे वहां पर पूछिए मुझसे उसका आंसर भी पूछिए और साथ में अपनी तरफ से कोशिश भी कीजिए यहां पर करने के लिए जल्दी से लेकिन एक बार इवेंट को शेयर कर दे भाई क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा नया चैनल है कैरियर विल टीजीटी पीजीटी तो स्टूडेंट्स अभी थोड़े से कम है यहां पर इस चैनल पर लेकिन जल्द ही बढ़ जाएंगे और होपफुली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए आप लोगों को इसके बाद दोबारा से क्लास इस चैनल पर लेने की जरूरत ना पड़े तो पहले क्वेश्चन का आंसर विक्रय लागत का जो कॉन्सेप्ट है जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट में आता है यह कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था याद रखिएगा एडवर्ड चैंबरलिन के द्वारा दिया गया था अगर कोई भी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व बनाते हैं तो किस कारण से परिवर्तित नहीं होगा यानी जब आप एक पीपीसी कर्व बनाते हो और जनरली तौर पर आपको पता है पीपीसी कर्व इस फॉर्म में होता है जिसे कॉन्केव कहा जाता है ये याद रखिएगा और इसके पीछे कारण होता है इंक्रीजिंग चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग ऑपरचुनिटी कॉस्ट की वजह से ये कॉन्केव शेप में होता है एक्स और वाई की वजह से लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर दो पूछे कि किसकी वजह से अगर हम कहते हैं टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो बिल्कुल चेंज करेगा इसकी वजह से नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तब भी चेंज करेगा न्यू मटेरियल डिस्कवर करेंगे तो भी करेगा लेकिन जब हम कहते हैं चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड मेरी बात समझना एक्चुअली ये पीपीसी कर्व से नहीं ये इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड एक थ्योरी डिस्कस करेंगे उसके अंदर एक वर्ड आता है जिसे हम टर्म ऑफ ट्रेड कहते हैं इसका संबंध हमारे पीपीसी कर्व से नहीं होगा तो याद रखना यहां पर तो डिस्कवरी ऑफ ऑफ मोर एफिशिएंट है परचेज ऑफ न्यू कैपिटल्स है इंट्रोडक्शन इंप्रूव टेक्नोलॉजीज है तो सवाल पूछा किससे शिफ्ट नहीं होगा बिल्कुल सही कहा आपने सर नॉट शिफ्ट पूछा है ना तो जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है इसके बारे में आप सोचिए कृष्ण भाई कि नॉट पूछा है ना तो हमने इसको आंसर लगाया ही नहीं क्योंकि ये भी राइट ये भी राइट ये भी राइट ये रॉन्ग है तो रॉन्ग हमने आंसर दे दिया है ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहां चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर उत्पादन की हरासमान अवसर लागत के अंतर्गत उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार का बनेगा क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर आप मुझे जल्दी से करके दीजिए उत्पादन संभावना वक्र की हरासमान अवसर लागत के उत्पादन कैसा होने वाला है बताएं भाई मुझे किस प्रकार का कर्व होने वाला है चलिए भाई देखो आपको याद रखना है जब हम ये कहते हैं कि इस प्रकार का बनेगा जब जब इस प्रकार का बनेगा तो कॉनकेव होगा और कॉनकेव के केस में इंक्रीजिंग कॉस्ट का है है लेकिन जब वो कह रहा है कि हरासमान अवसर लागत हो तो ये कैसा हो जाएगा तब ये कॉन्वेक्स हो जाएगा सर क्योंकि नॉर्मली का उल्टा हो जाएगा यानी डिक्रीजिंग ऑपरचुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट बन जाएगा तब ये कॉन्वेक्स टू ओरिजन हो जाएगा कॉनकेव की जगह उल्टा हो जाएगा कॉन्वेक्स रहता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन की तीन अवस्थाओं की चर्चा करता है उत्पादन का प्रथम चरण क्या होता है जब हम तीन फेज की बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में तो बताइए मुझे कि यहां पर पहला फेज क्या होता है समझ सकते हैं हम हमेशा पहले फेज का ग्राफ बनाते हैं यहां से हम इसको इस प्रकार से लेते किये डाउन करेगा और ये यहां तक जाएगा अब ये जो है हमारा वो ए पी है ये एम पी है और यह टीपी और मैंने बताया है जहां तक एम पी इंक्रीज करता है तब तक हमारी पहली पेज रहता है जहां एम पी जीरो तक है वहां सेकेंड रहता है उसके बाद में थर्ड रहता है मैं कर्व बनाकर दिखा रहा हूं डाउट लगे एक सेकंड में ड्रॉ कर लीजिए तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर अगर मार्जिनल और एवरेज पूछा है तो मार्जिनल जो है वो इंक्रीज करेगा इसके अंदर जो मार्जिनल है वो इंक्रीज करेगा और जो एवरेज प्रोडक्शन है आपका वो भी इंक्रीज करेगा ये दोनों ही आपके इंक्रीज कर रहे मार्जिनल भी गलत हो गया एवरेज राइज करेगा और बिगिंस टू फॉल और गिरना भी शुरू हो जाएगा आपने कहा ये सेकंड में होता देखेंगे ध्यान से मार्जिनल प्रोडक्ट राइज एंड फॉल आपने कहा ये भी गलत है सिर्फ इंक्रीज जहां तक होगा तो मार्जिनल और एवरेज दोनों इंक्रीज कर रहे होंगे पहली अवस्था करेक्ट बनेगी सर क्वेश्चन नंबर चार की पहली अवस्था करेक्ट होगी अगर आप ध्यान से देखो तो एवरेज सिर्फ बढ़ ही रहा है एवरेज गिरना शुरू उसके बाद होगा गिरना शुरू सेकंड वाले में होगा पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करेगा गिरना सेकंड में शुरू होगा दुर्लभता एक दशा है जो विद्वान होती है कब दुर्लभता कब मानी जाती है क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर बताएं मुझे इनमें से दुर्लभता कब मानी जाती है दुर्लभता कब मानी जाती है आंसर करें भाई देखो दुर्लभता तभी जब संसाधन कम है और संसाधन कम है इसका मतलब यह है हम संपूर्ण मांग को संपूर्ण इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं इसलिए याद रखना सर फर्स्ट एमपी फर्स्ट में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है कहां लिखा भाई मोनिका मुझे बताओ इंक्रीज ही होता है और पहला तब तक होता है जब तक एमपी इंक्रीज करता कंडीशन यही है पहली स्टेज तब तक होती है जब तक एमपी इंक्रीज करता है डिक्रीज तो पहले में होता ही नहीं एमपी डिक्रीज होना शुरू होता है सेकंड में और तब तक जब तक, जब तक जीरो होता है

हमारी लेबर और कैपिटल जो होती है जनरली इनका हम किस तरह से यूज करें कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिले लेबर और कैपिटल को यूज करने से सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिले जैसे इंडिफरेंस कर्व में अब इसके वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे हमें सेम आउटपुट मिलता है लेकिन अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो इसे क्या कहते हैं सर कि अगर हम यहां से डेल्टा के करेंगे यानी के कम करेंगे तो कितना एल इंक्रीज होगा डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल करेंगे तो इसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये एम होता है मेरे भाई याद रखना और जनरली इसे एम भी कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कहते हैं यानी ये इसके बीच के स्लोप को बताता है जो स्लोप बताया जाता है ना जैसे इंडिफरेंस कर्व होता है उसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं और आईसो प्वाइंट में इसी चीज को मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कहते हैं क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर ए होगा चलिए उत्पादन के साधनों की मांग कैसी होती है भाई बताइए मुझे उत्पादन के साधनों की मांग पूछी जाए उत्पादन के मांग साधन की डायरेक्टली डिमांड नहीं होती अंकिता वेरी गुड इवनिंग चलिए भाई सभी को धीरेन्द्र गुड इवनिंग भाई तो आपने कहा सर इन सब की डिमांड ड्राइव्ड होती है इन सब की मांग डिराइव्ड होती है क्योंकि डायरेक्टली इनकी जरूरत नहीं पड़ती किसी साधन के लिए पड़ती है एक उत्पादन की परिवर्तनशील लागत नहीं है कौन सी यहां पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है परिवर्तनशील लागत नहीं है सोचिएगा ध्यान से भाई <skrick collects> एक बार इवेंट को सभी लोग शेयर कर दें भाई तो इवेंट को शेयर कर दें भाई आप सभी लोग जल्दी से कौन सी परिवर्तनशील लागत नहीं है हमारे पास तो परिवर्तनशील लागत नहीं है तो देखो भाई याद रखना इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम इंश्योरेंस में पैसा देते हैं जनरली वो हमारा फिक्स्ड होता है वो हमारा वेरिएबल नहीं होता वो फिक्स्ड होता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को क्या कहा जाता है जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसे क्या कहा जाता है देखो जो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है वो भी यू आकार का ही होता है ध्यान रखना जो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व है यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होगा यू आकार का ही शेप चेंज नहीं होगी भाई एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा यू आकार का होगा लेकिन जितने छोटे छोटे शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व हैं, ये इन सबको जोड़ता है शॉर्ट रन वाले सारे को और क्योंकि ये शॉर्ट रन वालों को जोड़ता है तो जैसे एक एनवलप होता है सबको कवर करता है जैसे एक एनवलप सबको कवर करता है लॉन्ग रन वाला क्या है वो सारे के सारे शॉर्ट रन वालों को कवर करता है इसलिए इसको एनवेलप कर्व कहा जाता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है एनवेलप कर्व कहा जाता है देखो आप इस एक बड़े से कर्व के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कर्व हैं एनवेलप की तरह इसी को एनवेलप कहा जाता है एंजल कर्व तो नहीं होता ना एंजल कर्व तो इनकम और डिमांड uh, के बीच के रिलेशन को बताता कंजम्पशन के बीच जब कोई नई बाह्य फर्म कोई फर्म बाह्य मित व्यता एक्सटर्नल इकोनॉमीज को कवर करता है देखो अगर एक्सटर्नल इकोनॉमीज हैं, याद रखना जो इकोनॉमीज हैं, अगर ये हमेशा पॉजिटिव होती है और जो डिस इकोनॉमीज होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है मैंने लास्ट कई प्रैक्टिस क्लासेस में ये बात बताई है मितव्ययताएं आएंगी तो ये पॉजिटिव जनरेट होगा और अमितव्ययताएं होंगी तो ये नेगेटिव करेगा अब आपके सीएस में बताइए मुझे पॉजिटिव ये हुआ सर कि अगर बाह्य मितव्ययता बाह्य से सपोर्ट रिसीव कर रहे हैं तो हमारी लागतों में कमी आने शुरू हो जाएगी लागतें कम होंगी ना हमारी तो हमारा लागत वक्र जो होगा डाउनवर्ड होगा लागत नीचे की ओर जाएगी क्योंकि इकोनॉमीज आना स्केल ऑफ इकोनॉमीज पॉजिटिव होता है तो याद रखना लागतें जो होंगी वो कम होनी शुरू हो जाएंगी ये बेनिफिटेड बात है अगर बाहर से मितवेताएं प्राप्त होंगी तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही है याद रखना सवाल में जो पूछा जा रहा है वो आपको सही के बारे में बताना है क्योंकि इसमें मुझे डाउट लग रहा है सवाल के अंदर एक बार पढ़ लेते हैं सर सवाल में क्या पूछा गया यदि एमसी वक्र इफ द एमसी वक्र इज बिलो द एसी कर्व देन एसी कर्व विल एक सवाल ये इस तरह से बनता है देखो हमेशा एवरेज कॉस्ट यू आकार का होगा और इसके मिड से गुजरता हुआ ये आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा क्वेश्चन भी भी आए इसके बनाकर देखिए सर यहां तो आपने कहा अगर ये पूछा जा रहा है एमसी जब नीचे की ओर आ रहा होगा एसी वक्र उस समय यदि एमसी एसी से नीचे होगा यहां तक तो ऐसी अनिवार्यता यानी असेंडिंग बढ़ रहा होगा तो इस सवाल में सही नहीं पूछ सही है पूछना चाहिए क्योंकि ये बात जो है आपके पास ये गलत है ये वाली बात भी गलत है और ये मैक्सिमम पॉइंट पे कवर नहीं करते हमेशा ये अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर कट करता है, है।, है इस इसलिए मैंने कहा ना जब आप इको स्पेशल के बैच ज्वाइन करोगे और अभी रिसेंटली नया बैच आया ही आप जानते हो बिल्कुल उसको देखेंगे हम लोग जरूर लागत वक्र केवल उस समय पूर्ति वक्र बन जाता है जब देखो एक बात याद रखना हमारा एक कर्व है जिसका नाम है आ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये सप्लाई लाइन का भी काम करती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये सप्लाई लाइन भी बन जाती है अगर बाजार परफेक्ट कंपटीशन हो और एमसी के ऊपर से जो एवीसी वक्र है अगर वो एमसी के ऊपर का हिस्सा जो होता है एक एग्जाम्पल को समझिएगा मान लीजिए हमने एक लाइन की हुई है सर ये आप जानते हैं ए आर एम आर होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर मान लीजिए कि ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट है ये हमारी एवरेज मार्जिनल कॉस्ट है इसके नीचे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है ठीक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर तो जो एमसी कर्व होगा वो एवीसी के ऊपर से माफ कीजिएगा जो एमसी वक्र एवीसी के ऊपर का हिस्सा होगा एमसी वक्र जो होगा एवीसी के ऊपर का हिस्सा यह हमारे पास क्या काम करेगा सर यह सप्लाई लाइन का भी काम करेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सी मार्केट में जब हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो तभी हमारी मार्जिन कॉस्ट लाइन जो है वो सप्लाई लाइन का भी काम करती है लेकिन एवीसी से लेकर ऊपर के हिस्से तक यह एवीसी से शुरू होती है क्या होता है जब दो भिन्न फर्मों के भिन्न प्रतिक्रिया वक्र एक दूसरे को काटते हैं यानी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं और दो डिफरेंट फॉर्म्स ये अल्पकाल के अंदर बात हो रही है यानी ओलिगोपोली बाजार के बारे में और दो फॉर्म जब एक दूसरे को कट करती हैं, फर्म ए का उत्पादन डिसाइड होता है फर्म बी का उत्पादन डिसाइड होता है इसे नैश इक्म कहा जाता है दो कर्म है दो उनके कर्म है और दोनों जहां पर इक्विलिब्रियम जनरेट करेंगे जहां संतुलन जनरेट करेंगे सर उसको क्या कहा जाता कर्व समझ में नहीं नहीं आता देखो जब तक तक आप क्लास नहीं करेंगे तब तक मुश्किल होगा क्योंकि ये को समझने के लिए हमें क्लास में बहुत आराम आराम से चला जाता है एक एक एक्सप्लेनेशन एक एक करते हुए याद रखना तभी वो चीजें क्लियर होती है वरना तो मुश्किल है तो प्रैक्टिस हमें सिर्फ बेहतर क्वेश्चन दिखाती है आंसर तो हमारी नोटबुक में ऑलरेडी होते हैं इसे कोर्नो ियम कहा जाता है इसी में विभिन्न के डिस, की बात है इनमें से किसने समूह संतुलन के बारे में कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था समूह संतुलन ग्रुप इक्विब्रियम जब बहुत सारी फर्म्स जो है वो ग्रुप में होती है बाजार के अंदर इस कंसेप्ट को डेवलप करने वाले कौन है ग्रुप संतुलन को जो डेवलप किया गया वो किस कॉन्सेप्ट ने किया अभी बताइए मुझे तो यहां पर आपको याद रखना है जो समूह संतुलन का जिक्र हो रहा है भाई यहां पर इसको डेवलप करने वाले जो व्यक्ति हैं तो याद रखो चैम्बरलिन है वो कौन है वो चैम्बरलिन है चैम्बरलिन के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था बेसिक तौर पर चैम्बरलिन के द्वारा जो ग्रुप इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है याद रखना है एकाधिकारी फर्म अगर कीमत विभेद करती है तो इससे क्या होगा यानी एक अधिकारी फर्म का कीमत विभेद करने का मतलब है एक के लिए कीमत कम और दूसरे के लिए कीमत ज्यादा होगी अगर एक के लिए कीमत कम होगी और दूसरे के लिए कीमत ज्यादा होगी तो आप कहोगे सर यहां पर एकाधिकारी कीमत जो होती है बेसिक तौर पर याद रखना अगर कीमत ज्यादा होगी तो ग्राहक का सरप्लस ग्राहक का बेनिफिट ग्राहक का फायदा कम हो जाएगा भाई अगर कीमत विभेद अपनाया जाएगा और कीमत विभेद कब होता है डिस्क्रिमिनेशन कब होता है तो आप कहोगे सर नई फर्मों पर तो वैसे ही प्रतिबंध लगा होता है मोनोपोली में कीमत विभेद अपनाने से उपभोक्ता का जो फायदा हो रहा था वो कम हो जाएगा कीमत ज्यादा ही रखी जाएगी द्विपक्षीय एकाधिकार कब होता है बताइए मुझे द्विपक्षीय एकाधिकार कौन से बाजार में होता है द्विपक्षीय एकाधिकार कौन सा बाजार होता है यहां पर देखो याद रखना है जब हम कहते हैं कि सेलर भी एक है बायर भी एक है जब बाजार में एक सेलर हो और एक ही बायर हो ऐसी कोई स्थिति डेवलप हो जाए जनरेट हो जाए तो उसे कहा जाता है द्विपक्षीय एकाधिकार निम्नलिखित किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर मान लेता है अभी मैंने बताया कि हर एक फर्म है दो फर्म हैं दोनों का अपना प्रतिक्रिया वक्र है और जहां पर वो बैलेंस जनरेट करेंगे वो क्रूनो क्रूनो जिसे इंग्लिश में लिखते हैं क्रूनो मॉडल कहा जाएगा और इसी में हमने क्या देखते हैं कि दूसरे प्रतिद्वंदी अच्छा इसके लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट को मैं और बेहतर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वीडियोस आपके लिए डेवलप करूंगा स्पेसिफिकली जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना रखी हैं है विल के इस चैनल पर भी उनको लेकर आऊंगा मैं जल्दी से लेकिन याद रखना इसको क्रुनो कहा जाता है क्रुनोट इसको लिखा जाता है इसमें हर एक प्रतिद्वंदी के उत्पादन को सिर मान लिया जाता है इनमें से कौन सा एकाधिकारी के लिए सत्य होगा एक मोनोपोलिस्ट फर्म जो होती है देखो यहां चाहे कोई सी भी फर्म हो मोनोपोली हो या कोई सी भी फर्म हो यहां पर एक पॉइंट दे रखा है कि ए आर एम आर ई और वन अपॉन ई मैं आपको एक बात समझा रहा हूं यहां पर फर्म कोई सी भी हो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एम आर निकालने का ए आर वन अपॉन वन माइनस ई या फिर हम ये कह सकते हैं ई e निकालने का फॉर्मूला होता है इलास्ट्रिसिटी ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर ये जो इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला है ये सब जगह लागू होगा चाहे मोनोपोली हो चाहे मोनोपोलिस्ट हो चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो हर एक बाजार में लागू होगा अब इसी बात को इसने क्या कर दिया देखो एम आर ए आर को नीचे लाके और इसको कर दिया है सर एम आर यह ए आर को नीचे ले आए कोई बात नहीं है सर और ये हो गया ई माइनस वन बाई तो e तो e हो जाएगा e ये अच्छा डिवाइड में ऐसे करा जाएगा E माइनस वन बाई ये जब इसको लिखा जाएगा ना तो ये बटा पूरे के नीचे आएगा ये जो बटे में होगा ये पूरे के नीचे आएगा तो ये e माइनस वन ऊपर बटे में e हो जाएगा इस तरह से ऑप्शन बनेगा ये इसका बटा जो है वो दोनों के लिए काम कर रहा है यहां पर e माइनस वन बाई बिल्कुल मैं बनाऊंगा यहां पर चलिए भाई अल्पाधिकार की कौन सी विशेषता नहीं है जो अल्पाधिकार बाजार है उसमें क्या फीचर नहीं होती देखो तो जब हम अल्पाधिकार कहते हैं कि जहां पर कुछ बेचने वाले होंगे फ्यू सेलर्स होंगे लिमिटेड होंगे जिसके अंदर हम कार्टल वर्ड यूज करते हैं इंटर डिपेंडेंसी होगी वहां पर जो डिमांड कर्व होता है वो किंग्ड होता है याद रखना ओलिगो मार्केट के अंदर जब हम ओलिगो पढ़ते हैं याद रखना तब वो पूछ रहा है क्या नहीं होगा तो हम ये कहते हैं मांग वक्र जो बनेगा या तो उसे कहते हैं किंगड डिमांड कर्व होगा या हम इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट होगा यानी कि एग्जैक्टली exactly नहीं होगा इनडिटर्मिनेट होगा अनियमित होगा अब यहां पर यह कह रहा है सर्टेनिटी होगी जबकि हम कह रहे अनसर्टेनिटी होगी इनडिटर्मिनेट होगा तो यहां उल्टी इंफॉर्मेशन दी गई गलत इंफॉर्मेशन और यही पूछा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मांग की लोच इकाई के बराबर होगी जब सीमांत आए अब देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया है जो स्टूडेंट इस, इस क्वेश्चन को करेगा ना मुझे लगेगा उसने दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व किया है ई का आंसर वन कब आएगा अगर मैंने पॉइंट में एम आर की वैल्यू देनी है सर ई का ऑप्शन वन कब आएगा देखिए भाई देखो हमारे पास ई का फॉर्मूला क्या था ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर अब हमें क्या चाहिए सर यहां वन चाहिए ये कह रहा वन कब आएगा बताओ सर ऐसा जब ए आर को ए आर से भाग करेंगे यानी एम आर को जीरो मानेंगे तो सर एम आर अगर जीरो होगा तो ए आर अपॉन ए आर होने की वजह से वन आ जाएगा यही वो आंसर में चाहता है कि ई e जो है वो वन कब आएगा तो आपने कहा जब एम आर जीरो होगा तो ए आर अपॉन ए आर बन जाएगा यहां पर इस वैल्यू को जीरो रखकर देख लो भाई तब आंसर एक आ जाएगा बात समझ लो भाई यहां पर यह कहा रहा जा रहा है वर्जनीयता रहित प्रतिद्वंदिता रहित विशेषताओं के संदर्भ में लॉ एंड ऑर्डर विधि और व्यवस्था जब कानून व्यवस्था बनाई जाती है जिसमें कोई भी परि भेदभाव नहीं किया जाता किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है जैसे नेशनल सिक्योरिटीज है पुलिस है ये किस प्रकार की वस्तुएं हमारी सर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर है तो वो हमारी पब्लिक गुड्स है और हम इसमें याद रखते कभी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती और इसमें कोई वर्जनीयता नहीं होती पब्लिक गुड्स होती है वो अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है कब अधिकतम सामाजिक लाभ कब प्राप्त किया जा सकता है बताए मुझे बताइए भाई। देखो अधिकतम सामाजिक लाभ का क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है और यह बताया कि इसका कंसेप्ट दिया गया है कि जितना हम मार्जिनली सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जो मार्जिनली हमें बेनिफिट मिल रहे हैं ये दोनों बराबर हो बस ये ध्यान रखना है कि सर सेक्रीफाइस तो हर जगह लिख रहा है इसने ये कुल होना चाहिए नेट होना चाहिए औसत चाहिए नहीं सीमांत में होना चाहिए मार्जिनल में हो आय की अपेक्षा व्यय कर का एक अच्छा एग्जाम्पल है यानी कर जो है वो व्यय पे होना चाहिए आय पर नहीं इस बात को किसने सुझाव दिया था बताइए मुझे किसने कहा था आय की अपेक्षा व्यय जो है वो कर का बेहतर तरीका होगा तो ये कैलडोर का कहा है कैलडोर के द्वारा इस बात को कहा गया था सार्वजनिक व्यय का डिसप्लेसमेंट इफेक्ट किसने बताया है जो सरकारी खर्च हम करते हैं इसका जो इफ़ेक्ट होगा किसके द्वारा बताया गया है विस्थापन प्रभाव के बारे में बताया गया है देखो यहां बहुत सारी थ्योरीज हैं जो पीजीटी वगैरह में एक एक क्वेश्चन लेकर आती हैं क्योंकि वैसे भी हर एक सेट से एक एक क्वेश्चन ही बन पाता है सारे क्वेश्चन हर सेट में अगर आ जाए तो फिर सभी टीचर सारा कर लेंगे सारे स्टूडेंट सारा कर लेंगे या एक पिकॉक वाइजमैन की थ्योरी है याद रखना इसे हम पिकॉक वाइजमैन थ्योरी कहते हैं और इस थ्योरी के अंदर यही डिसाइड किया जाता है कि जनरली तौर पर एक विस्थापन इफेक्ट वर्ड जो है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया इसके अंदर इंपैक्ट बताया गया है कि किस तरह से हमारा जो इनकम इंक्रीज होते है, उसका इंपैक्ट हमारे एक्सपेंडिचर पे होगा क्राउडिंग आउट वर्ड क्या होगा क्राउडिंग आउट देखो क्राउडिंग आउट का मतलब मैं समझा दूं कि जब इन्वेस्टमेंट में कमी आती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है सरकारी बढ़ने की वजह से जब सरकार अपने एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करती है प्राइवेट के इन्वेस्टमेंट में कमी आने लगती है और इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट देखो जब आपके एग्जाम पास में होते हैं आप 90% सिलेबस जो समझकर कर रहे हैं ना ठीक है भाई 90% समझ के किया है दस परसेंट को याद भी किया जा सकता है रटा भी जा सकता है क्योंकि हमें एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कई बार एक ही क्वेश्चन के लिए पूरी थ्योरी को नहीं पढ़ने का टाइम बनता तो याद कर लेते हैं चुम्पिटर के अनुसार जो व्यापार चक्र है हमारा उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? शुम्पिटर के अकॉर्डिंग व्यापार चक्र जो ट्रेड साइकिल है हमारा उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, है बताइए मुझे सर यहां चार अवस्थाएं होती हैं हम हमेशा इसको इस तरीके से देखते हैं सर हमारे पास या फिर हम इसको सर्कल के रूप में देखते हैं जब ऊपर जाता है इसे रिकवरी कहते हैं जब यहां पहुंचता है इसे कहते हैं जब नीचे की ओर आता है इसे रिसेशन कहते हैं और जब सबसे नीचे की ओर आता है इसे डिप्रेशन कहते हैं ये चार अवस्थाओं में पूरा डिफाइन किया जाता है शिमपटर के साइकिल ट्रेड की थ्योरी को के उद्यम करता आर्थिक लाभ कमाते हैं क्यों? की जो प्रॉफिट थ्योरी है वो किस बात को मानती है कि प्रॉफिट की वजह क्या होती है बताइए मुझे प्रॉफिट का सिद्धांत क्या होता है जो शिमप्यूटर ने बताया है सर शिमप्यूटर ये कहते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो इनोवेशन की वजह से होता है इनकी थ्योरी का नाम है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इनोवेशन की वजह से ले कहते हैं कि नहीं सर यहां पर जो होता है वो रिस्क की वजह से होता है और नाइट कहते हैं अनसर्टेनिटी की वजह से अलग अलग मैंने आपको बताए हुए हैं ये सारी प्रॉफिट थ्योरी है एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन उपभोग फलन जो होगा यानी कंजम्पशन किसका फंक्शन है बताना है कंजम्पशन किस चीज का फंक्शन है देखो तो याद रखो खर्च कहां से हो रहा है पहले मुझे बताओ सर हमारा खर्च हमारी इनकम से होता है हमारी बचत हमारी इनकम से होती है अगर आप डेल्टा सी और डेल्टा वाई देखते हो सी अपॉन वाई देखते हो कंजम्पशन हमेशा किसके साथ चलेगा कंजम्पशन हमेशा इनकम के साथ चलेगा क्योंकि जैसे जैसे खर्चा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ेगा दोनों का रेशो बराबर नहीं होगा लेकिन ये कंफर्म है अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा उपभोग पर रेचेट इफेक्ट जो होता है ये क्या किसने बताया है ये किसके द्वारा बताया गया है रेचेट इफेक्ट तो बताइए मुझे तो ये रेचेट इफेक्ट जो होगा ये किसके द्वारा होगा बताइए भाई किसके द्वारा होगा चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको वन बाई वन। देखो पर आपको ये पहले समझ में आना चाहिए सर होता क्या है और इस सिद्धांत में जो बात कही गई है वो किस बारे तो है, है, क्लार्क तो है जिसे रैचेट के नाम से जाना जाता है ठीक है सारे प्रभाव आपको याद रखने किसने क्या कहा किससे संबंधित है बैड वेगन बैंडवेगन प्रभाव का संबंध किससे है बैंडवेगन चलिए भाई बताइए मुझे चलिए भाई देखो यहां पर मैं आपको समझाऊं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इसमें क्या बताया जा रहा है मेरी बात समझना ध्यान से कि एक्चुअली जब हम ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु है और उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है कीमत गिरने के कारण भाई किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है और कीमत कम होने के कारण मांग बढ़ जाती है ऑब्वियसली ये बात तो सबको पता है सर जब जब कीमत डिक्रीज करती है मांग इंक्रीज करती है अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वो ये देखते हैं कि अच्छा सब लोग ये इस्तेमाल करते हैं हम भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो मांग इसलिए नहीं बढ़ाते कीमत कम है वो मांग इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि बाकी के लोग मांग कर रहे हैं भाई बात ना, दूसरों को देखकर मांग करते हैं दूसरों को देखकर मांग करते हैं सर तो उसे कहते हैं रिलेटिव इनकम थ्योरी ये कॉन्सेप्ट दिया गया है किसके द्वारा इसको याद रखना इसे बैड वेगन इफेक्ट कहते हैं दूसरों के कारण मांग को बढ़ा देते हैं उसके पीछे पीछे चलते हुए उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम किसने दिया है भाई जैसे जैसे आप जानते हैं हमारी इनकम बढ़ती हमारे खर्चे भी इंक्रीज करते हैं उपभोग का मनोवैज्ञानिक सॉरी भाई sorry, uh, sorry भाई सॉरी सॉरी अभी साउंड एक्चुअली चला गया था अच्छा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बहुत ध्यान से सुनना शायद ये पिछला वाला क्वेश्चन भी रह गया होगा उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत साइकोलॉजिकल ये क्या कहता है सर इनकम के इंक्रीज होने पर हमारा कंजम्पशन इंक्रीज करता है इनकम के इंक्रीज होने पर हमारा कंजम्पशन इंक्रीज करता है और ये बात हमें साइकोलॉजिकल लॉ के रूप में बताइए कीन्स ने एक तो ये याद करना अच्छा दूसरा में बताया विदेशी व्यापार गुणक के एफ होता है ये ए नहीं है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कहते हैं जिसे यानी हमारा एक्सपोर्ट जब इंक्रीज करेगा तो हमारी इनकम को कितना जनरेट करेगा इसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके निकालते हैं विदेशी व्यापार गुणक व्यावसायिक मंदी से निपटने के लिए कीज की थ्योरी जो आई थी वो थ्योरी किस बात पे एम्फेसाइज करती थी किस बात पे फोकस करती थी देखो कीज हमेशा ये कहते थे कि सरकार अगर खर्च करेगी सरकारी एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकार की फिजिकल पॉलिसी पर पूरा फोकस क्या करते थे कौन आपको याद रखना है कीन्स। और कीन्स के बाद ही उन्नीस में एक महामंदी आई पूरी दुनिया में जो 1936 में खत्म हुई है वो सरकार की ही पॉलिसी की वजह से है. The क्या होता है? The कितना चेंज होगा हमारे कंजम्पन में और हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज होगा इसका एक तरीका रहता है इसको याद कर लेना बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन के लिए का मतलब यहां इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वाई का मतलब इनकम होता है सर चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनशन हमारा खर्च चेंज होगा उसके मुकाबले हमारी इन्वेस्टमेंट जो चेंज होगी डेल्टा डेल्टा ऊपर होगा होगा याद रखना अपॉन यहां पर तो इस तरीके से हमारे पास जो बनेगा उसे हमने कहा है एक्सीटर को एफिशियंट लॉनेबल फंड थ्योरी किसने दी है यहां पर ऋण योग्य कोष सिद्धांत जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है तो भाई ये सारे सिद्धांत आपको याद रखने हैं कोई भी सिद्धांत जो किसी के भी द्वारा दिया गया होगा या ब्याज से संबंधित सिद्धांत की बात की गई इन्वेस्टमेंट की बात की गई उधार के ब्याज के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है सर विक्सल के द्वारा यहां पर एक कंसेप्ट जिसको लॉनेबल फंड थ्योरी कहा जाता है ऋण योग्य सिद्धांत कहते हैं विक्सल के द्वारा है आईएसएलएम विश्लेषण में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी तो क्या परिणाम होगा सोचिएगा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने का परिणाम क्या होगा तो मुद्रा की पूर्ति बताइए मुझे भाई देखो कर्व होता है ऐसा देखो आईएस ऐसा होता है और एल एम है अगर पूछा जा रहा है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होने पर आई एस हमेशा राइट में जाता है राइट शिफ्ट ऑफ द आईएस जब मुद्रा सॉरी 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 मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो रही है ना मुद्रा एल तो एम कर्व जो होगा राइट में जाएगा माफ कीजिएगा भाई जो एल एम होगा मुद्रा की आपूर्ति जो होगी वो एल एम को प्रभावित करेगी यहां पर और एल एम वो राइट में जाएगा एल जाएगा, एम जाएगा, गलती थी मुझसे यहां पर एल एम राइट में जाएगा सर क्योंकि यहां मनी की सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो मनी सप्लाई एल एम को प्रभावित करती है ब्याज का समय सिद्धांत किसने दिया है जो प्र, टाइम प्रेफरेंस थ्योरी दी गई है इंटरेस्ट को लेकर ब्याज पर सिद्धांत बनाए गए बहुत सारी क्लासेस मैंने ऑलरेडी आपको अवेलेबल कराई हैं आप देखिएगा इस नाम से सर्च कर सकते हैं आप इंटरेस्ट थ्योरी बाय राशिद सर पूरी क्लास आपको मिल जाएगी मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 36 में यह पूछा जा रहा है कि अगर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो आई में कौन सा कर्व जो होगा वो प्रभावित होगा बस इतनी बात याद रखनी है जो आई कर्व होता है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से होता है जो सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है उससे आई एस कर प्रभावित होता है और जो मनी की सप्लाई उससे एल एम होता है और एल एम कर मनी सप्लाई बढ़ने से आगे जाएगा और कम होने से पीछे जाएगा बस ये सवाल पूछा है आ, कृष्ण कुमार याद रखना भाई तो आ, अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो एल एम कर्व प्रभावित होता है राइट में मूव करता है तो यह ब्याज का समय सिद्धांत मैंने बताया दिया है यह फिशर के द्वारा दिया गया किसके द्वारा इरविं फिशर के द्वारा दिया गया है कीन्स के ब्याज दर के सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति वक्र सदैव कैसा होता है बताइए मुझे कीन्स के ब्याज दर निर्धारण सिद्धांत में मुद्रा का जो पूर्ति वक्र है वो कैसा होता है देखो तो कीन्स ने जो ब्याज की दर का निर्धारण किया है उसके हिसाब से मनी की जो सप्लाई है वो ऐसी होती है जो मनी सप्लाई का कर्व ऐसा होता है और मनी की डिमांड का कर्व ऐसा होता है याद रखना ये डिमांड फॉर मनी है ये डिमांड फॉर सप्लाई है याद रखना अब यहां पर ये पूछ रहा है कि मनी सप्लाई का कर्व कैसा होगा मनी सप्लाई का कर्व कैसा होगा तो मेरे दोस्त याद करो ये कैसा नजर आ रहा है आपको सर ये वर्टिकल नजर आ रहा है तो मनी सप्लाई का कर्व तो वर्टिकल होगा और मनी की डिमांड का कर्व याद रखना तो वो नीचे की ओर आएगा डाउनवर्ड होगा डिक्लाइनिंग स्लॉप में होगा नीचे की ओर उसका ढाल होगा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अनुसार लिक्विडिटी ट्रैप में कब आता है ऋण जाल में फंसा हुआ कब माना जाता है लिक्विडिटी ट्रैप माना जाता है ऋण जाल माना जाता है मैंने आपको बताया है क्लास में आप इसको वन बाय वन देख सकते हैं आज तो हम आखिरी प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं सर देखो जब हम ये कहते हैं मनी की सप्लाई है और यह मनी की डिमांड है ये जनरली हमारी कम होती है और एक समय के बाद यह जो कम होना है वो बंद हो जाती है और यह एक सीधी रेखा के रूप में हो जाती है ये एक सीधी रेखा के रूप में हो जाती है तो जब ये एक सीधी रेखा के रूप में होगी यानी कि हम ये कहते हैं यहां से अब हम मनी की सप्लाई को कितना भी चेंज कर लें, हम मनी की सप्लाई कितनी भी चेंज कर लें, लेकिन हमारी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा डिमांड हमारी बेलोचशील हो गई है बेलोच हो जाती है अब इससे नीचे जाती ही नहीं हमारी डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं इसे बेलोचशील हो जाना कहते हैं क्योंकि इसके नीचे जाएगी नहीं सॉरी अरे क्या हो डिमांड है परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है क्या हो गया भाई ये सही आंसर है क्योंकि डिमांड कर जब ऐसा बनता है ना इसे इनफाइनाइट इलास्टिसिटी कहते हैं भाई और इनफाइनाइट जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है चलिए भाई थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर लेता हूं है ना तो डिमांड फॉर मनी कर्व जो होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा भैया यही आंसर इसका करेक्ट है बिल्कुल तो ये सीधी रेखा के रूप में होगा क्योंकि जो वर्ड देखो जो आ, इन, इन इलास्टिक है वो ऐसी होती है जो इन इलास्टिक है वो ऐसी होती है डिमांड कर सप्लाई कर तो हमेशा सीधा ही होगा उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है तो मेरे भाई आंसर ए ही करेक्ट होगा टेंशन ना ले लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत इनोवेशन थ्योरी किसने दी थी करा दी एग्जाम तक और एमसीक्यू मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा भाई लाभ का नव परिवर्तन मैंने अभी अभी आपको बताया जो इनोवेशन थ्योरी है प्रॉफिट की किसने दी है चुमपेटर ने दी है ने सट्टा उद्देश्य हेतु तो मुद्रा की मांग किस पे निर्भर करती है यानी जो आप बिजनेस के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो बिजनेस के लिए जो पैसा लगाया जाता है सर उसकी मांग किस पे निर्भर करते देखो याद रखना जो ट्रांजेक्शन के लिए होता है और जो प्रिकॉशनरी होता है Osionfish. जो उद्देश्य हम कहते हैं ट्रांजेक्शन के लिए होता है और जो प्रिकॉशनरी प्रिकॉशनरी होता है और ट्रांजेक्शन वाला है ये दोनों हमारे इनकम पे निर्भर करते हैं लेकिन जो स्पेक्यूलेटिव वाला होता है हमारा वो हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ब्याज पर दो हमारे मुद्रा के उद्देश्य इनकम पे होते हैं और एक हमारा जो होता है वो ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ किस चीज के बदले होता है लाभ जो मिलता है वो जनरली तौर पर किस चीज के बदले मिलता है लाभ किस चीज के बदले होता है देखो जब हम रिस्क लेते हैं तो हॉले कहते हैं रिस्क अकॉर्डिंग इनोवेशन के अकॉर्डिंग जो होता है वो कहते हैं कौन नाइट अनसर्टेनिटी बियर करते हैं जो उसके लिए नाइट कहते हैं इनोवेशन के लिए मैंने आपको बताया शंपर कहते हैं तो प्रोफेसर नाइट है जो हमारे वो क्या कहते हैं सर यहां वो कहते हैं कि यहां पर अनसर्टेनिटी को बियर करते हैं उसी का लाभ होता है पोटेंशियल सरप्राइज शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है पोटेंशियल सरप्राइज यानी संभावना है किस चीज की सर यहां लाभ की संभावना का जिक्र किया जा रहा है लाभ की संभावना को जो बोला जाता है जो प्रॉफिट से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट उसका नाम है पोटेंशियल सरप्राइज शब्द मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत किससे रिलेट करता है मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत बताए मुझे द गोल्डन थ्योरी है जो हमारी वो किससे रिलेट करती है मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत जे एस मिल नाम के व्यक्ति ने इसको दिया है याद रखना और वो ये कहते हैं हमारी जो मजदूरी है वो एक्चुअल में हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर डिपेंड करती है और मजदूरी का सिद्धांत किससे रिलेट करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के जीवन स्तर से उस पर बेस्ड होता है इसे कहते हैं गोल्डन वेज रूल्स चलिए मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत किसने दिया है द वेज थ्योरी जो दी गई है सबस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज यानी जीवन निर्वाह देखो एक ने दिया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला सिद्धांत वो है जयस मील और यहां पर एक नाम है जैक्स के नाम से अगर आप कहें तो इनका पूरा नाम भी आप याद रखना जैक्स टेरगोट के नाम से है जैक्स गॉट इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सर क्योंकि सिद्धांत को हमें लास्ट में याद करने होते हैं कभी-कभी कुछ पॉइंट जो हमारे पास कुछ नए से होना उनको लिख लीजिए याद कर लीजिए कि सर हमें अगर मान लीजिए पूरा सिलेबस करने के बाद आखिर में 50 पॉइंट याद करने पड़े तो मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है भाई कुछ चीजें याद करके भी काम चला सकते हैं लगान एक विभेदात्मक आधिकीय है ये किसकी अवधारणा है यानी किसने कहा कि जैसी जैसी आपकी जमीन की उपजाऊ क्षमता होगी उसके आधार पर ही आपका लगान निर्भर होगा लगान का सिद्धांत किसने दिया है सर लगान का सिद्धांत रेंट की थ्योरी एक ही व्यक्ति का नाम हम बार बार पढ़ते हैं रिकार्डो का नाम आता है श्रमिक की मांग कैसी होती है श्रम की मांग किस लिए चाहिए होती है श्रम भी तो एक फैक्टर है हमारा और फैक्टर जितने भी होते हैं सबकी मांग मैंने आपको बताई है सारे फैक्टर की मांग ड्राइव्ड होती है सारे फैक्टर्स की मांग ड्राइव्ड होती है तुलनात्मक तो लाभ सिद्धांत जो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी जो हमारे पास है जो बेसिकली आप जानते हैं सर हमें एक थ्योरी एडम स्मिथ की एक थ्योरी रिकार्डो की हमारे पास जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है रिकार्डो वाली वो ये कहती है देखो जब अवसर लागत है जब हम किसी एक चीज को बनाते हैं उसके बदले छोड़ देते हैं अवसर लागत कहते हैं अगर दो देशों के बीच में अवसर लागत सेम होगी अगर एक देश छोड़ रहा है किसी काम को करना और दूसरे देश भी छोड़ रहा है और दोनों की अवसर लागत समान है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने का कोई फायदा नहीं है अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने का फायदा कब है जब दोनों के बीच की अवसर लागत अलग अलग है जिसको जहां पर अवसर लागत कम है उसका उत्पादन करे अगर बराबर है तो कोई व्यापार नहीं होगा यहां पर एक थ्योरी दी गई है जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है जो एडम स्मिथ ने बताई थी जिसे हमने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या सही है और नहीं है ये बताना है देखो मैं आपको एक बात बता दूं कुछ चीजें मैं समझा भी रहा हूं इसीलिए वो ये कहते हैं कि यह चार नंबर गलत है और बाकी सारे सही हैं सर मैं आपको बता दूं हम यह मानकर चलते हैं जब एडम स्मिथ की थ्योरी पढ़ते हैं रिकार्डो की थ्योरी पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड वाली तो हम एक शब्द मान के चलते हैं जो लेबर है ना वो मूवेबल नहीं होगी जो लेबल है जो लेबर है श्रम है हमारी वो गतिशील नहीं होना चाहिए मान लीजिए एक देश के अंदर लेबर है और वो किसी चीज को बनाने में अफिशियंट है अगर वो लेबर दूसरे देश में चली जाएगी तो फिर दोनों के बीच व्यापार कैसे होगा जो जिस देश की लेबर है वो उस देश का उत्पादन करे एफिशिएंट तरीके से करे और फिर उसको एक्सपोर्ट करे दूसरे देश में तब अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा जो लेबर है ना वो मूवेबल नहीं होनी चाहिए वरना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा तो याद रखना ये बात जो कही गई है कि जो लेबर है वो पूर्ण गतिशील है ये गलत है जो जिस देश का है वही रहेगा अपने देश में मूव करेगा अपने देश के अंदर तो कहीं आएगा जाएगा लेकिन दूसरे देश नहीं जा सकता तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने दिया है ये जो पारस्परिक मांग वाला वर्ड है यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है याद रखना इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति का नाम है जे एस मिल और अभी मैंने बताया इन्होंने जो जीवन स्तर का सिद्धांत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का वेज थ्योरी वाला कंसेप्ट है वो भी किसने दिया है जे एस मिल ने दिया है मौद्रिक भ्रम की अनुपस्थिति द एबसेंस ऑफ मनी इल्यूजन क्या होता है देखो मनी इल्यूजन क्या होता है देखो यहां पर वो ये कहता है कि सर बेसिक तौर पर जब हम मनी इल्यूजन की बात कर रहे हैं तो अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हमारे खर्चे भी तो बढ़ जाते हैं अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो या तो हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं अगर हमारी कीमतें बढ़ जाती हैं तो अल्टीमेट आप देखिए कि उसके लिए जो हमारी मुद्रा है उसकी जरूरत भी ज्यादा होने लगती है तो कीमत किस स्तर के दुगना होने पर जो मुद्रा की लेन देन की मांग है वो भी दोगुनी हो जाती है क्योंकि क्या होगा सर कीमत बढ़ जाएगी तो हमें ज्यादा खर्चे भी करने पड़ेंगे ये मनी इल्यूजन वाला कॉन्सेप्ट होता है इसे मनी इल्यूजन कहा जाता है जिसको जे एम कीन्स ने ही डिफाइन करा है मनी इल्यूजन वाले कॉन्सेप्ट को भी व्यापार की शर्तों का अर्थ क्या होता है व्यापार की शर्तों का मतलब क्या है ध्यान से सुनना मेरी बात समझना तो यहां पर जो बात कही गई है टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब होता है सर हमारे एक्सपोर्ट और हमारे इंपोर्ट के जो प्राइस है उनका रिलेशन जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्राइस है उनके रिलेशन को हम लोग यहां पर व्यापार की शर्त कहते हैं उच्च शक्ति मुद्रा यानी हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं देखो जो पैसा आरबीआई के पास जनरली रिजर्व रहता है जिसे एम जीरो कहते हैं जिसे रिजर्व मनी कहते हैं मॉनेटरी बेस कहते हैं जिसे हाई पावर्ड मनी कहते हैं जो पैसा एम जीरो कैसे निकालते हैं सर एम जीरो निकालते हैं करेंसी प्लस जो रिजर्व होता है आरबीआई के पास रिक्वायर्ड एंड एक्सेस रिजर्व जो भी वांछित और अधिक्य कोष आरबीआई के पास रहता है जनता की करेंसी रहती है उसको मिलाकर बनता है हाई पावर्ड मनी इनमें कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं कुछ नया भी मिले नोट करना भाई डायरेक्ट टैक्स है तो आपने कहा इनकम टैक्स डायरेक्ट है वेल्थ टैक्स डायरेक्ट है तो दोनों ठीक है सेल्स टैक्स डायरेक्ट नहीं होता वेल्थ तो होता है सेल्स नहीं होता कैपिटल गेन और कॉर्पोरेट ये दोनों भी होते हैं इनमें से एक कॉम्बिनेशन सिर्फ एक टैक्स है जो डायरेक्ट नहीं होता बाकी इसने पूछा वेल्थ अपने कहा डायरेक्ट है इनकम टैक्स डायरेक्ट है कैपिटल गेन डायरेक्ट है कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट है एम जब निकालते हैं एम निकालने में क्या फॉर्मूला होता है जब आप एम वन का यूज करते हैं तब एम वन का मतलब क्या होता है देखो, अगर किसी ने ये मनी सप्लाई की थ्योरीज देखी हैं, ये फॉर्मूले देखे हैं अगर ध्यान से तो क्वेश्चन जरूर बनेंगे और मैं कोशिश करूंगा कल ही इस पर एक वीडियो बना दू स्पेशली मनी सप्लाई और उसका मेजरमेंट कैसे होता है तो याद रखना एम निकालने का एक फॉर्मूला रहता है करेंसी जो जनता के पास है करेंसी प्लस डिमांड डिपोजिट इन बैंक जो पैसा बैंक में डिमांड डिपॉजिट के रूप में है प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई जो बाकी का डिपॉजिट आरबीआई के अंदर है वो अब इन तीनों को मिलाने से जो बनेगा आपको याद रखना है सर वो एम वन होगा इसका ऑप्शन भी यहां पर ए करेक्ट होगा जो करेंसी होगी हमारे पास जो डिमांड डिपॉजिट होगा बैंक में और जो अदर डिपॉजिट होगा आरबीआई में यहां पर इसको इस तरह से लिखा जाएगा एम वन होगा जब सरकार राजकोषीय में सुधार करती है सरकार फिजिकल रिफॉर्म्स लाती है सरकारी नीति में बदलाव करती है तो उसके हिसाब से आपको बताना है भाई यहां पर क्या होगा तो आप कहोगे सर सरकार के द्वारा जब सुधार किए जाएंगे तो हमारा टैक्स जीडीपी का जो रेशो है वो बढ़ जाएगा जो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है वो अच्छा हो जाएगा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो सारे कम हो जाएंगे मनी की लिक्विडिटी का जिक्र नहीं होता इसमें क्योंकि मनी का जो लिक्विडिटी का जिक्र है वह याद रखना वो मॉनेटरी पॉलिसी में होता है तरलता के बारे में बात आरबीआई की पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी में होती है सर तरलता की बात सरकार का टैक्स जीडीपी के मुकाबले अच्छा हो जाएगा मैनेजमेंट होगा खर्चों का और घाटा कम हो जाएगा विदेशियों से उधार लेने को क्या कहा जाता है अगर हम बजट के घाटे को पूरा करने के लिए विदेशों से उधार लेते हैं तो क्या कहलाएगा विदेशों से लिया जाने वाला उधार क्या कहलाएगा याद रखना उधार का लेना उधार का देना इन्वेस्टमेंट आना डिस इन्वेस्टमेंट होना ये सारे कैपिटल नेचर होते हैं सर ये कैपिटल प्राप्तियों में आता है पूंजीगत प्राप्तियों में आता है One way कहते हैं जब हम गिफ्ट के रूप में लेते हैं देखो वन वे का मतलब होता है जो लेने के बाद वापस न दिया जाए ग्रांट के रूप में होता है गिफ्ट के रूप में होता है, मदद के रूप में होता है रेमिटेंस होते हैं जो एक तरफा होते हैं वो होता है आपका ग्रांट कैपिटल रिसीट कहते हैं उधार लेने को कर का संपूर्ण बोझ उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा जब मांग की लोच कैसी होगी देखो तो याद रखो मैंने आपको बताया जब कोई भी वस्तु ऐसी हो कि उसकी मांग की लोच जो है ना वो परफेक्टली इन इलास्टिक हो मांग की लोच जो है वो इलास्टिक हो डिमांड फॉर द आइटम इन इलास्टिक हो जो लोच है उसकी वो इन इलास्टिक हो सप्लाई को नहीं देखा जाता इसमें हमेशा आपका आंसर डिमांड के केस में होगा पूरा का पूरा जो होगा उपभोक्ता को करना पड़ेगा अगर मांग बेलोच हो अलोचशील हो बेलोच हो क्यों क्योंकि उसको खरीदना ही है सर कितना भी महंगा हो जाए सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया मांग वक्र को अनधिमान वक्र की सहायता से अनधिमान वक्र को बनाने का कंसेप्ट सबसे पहले कौन लाया था याद रखना अनधिमान वक्र जो बनाया जाता है ना वो हिक्स के मॉडल पे बनाया जाता है इंडिफरेंस कर्व को बनाने का कंसेप्ट किसने दिया है हिक्स ने दिया है इंडिफ़रेंस कर्व कैसा होता है देखो हमेशा इसका शेप कैसा होता है इंडिफ़रेंस कर्व का आपको याद होगा ऐसा होता है सर इसके सारे पॉइंट पर सेम सेटिस्फेक्शन होता है और जैसे आगे बढ़ेगा तो ज्यादा पीछे बनेगा तो कम और दो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते दो इंडिफ़रेंस कर्व हमेशा एक दूसरे के बताइए मुझे तो ये बात की ये लेफ्ट टू राइट होता है ठीक है सर अच्छा अच्छा इसका फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है ये तो तो ये गलत हो गया अच्छा दोनों ठीक हाँ, होगा A, और वाला करेक्ट होगा कॉन्वेक्स भी होते हैं ये बात भी सही है उपभोक्ता तो अतिरिक्त संभावित कीमत तथा वास्तविक कीमत के बीच का अंतर है और कीमत और उपभोक्ता के बीच में आप संबंध जो है वो प्रतिलोमी यानी कि इनवर्स होता है देखो अगर हम कोई भी चीज को जितनी कीमत में खरीदना चाहते हैं और जितनी कीमत में एक्चुअली खरीदते हैं इनका जो डिफरेंस होता है जैसे मैं डिसाइड करके गया कि भाई मैं जा रहा हूं शॉप पर और मैं ये शर्ट जो है वो एक हजार रुपए तक की लेकर आऊंगा और मुझे मार्केट में ये आठ सौ की ही मिल गई मैंने डिसाइड किया था मैं एक हजार में खरीदूंगा और मार्केट में मुझे आठ सौ रुपए में मिल गई तो मुझे दो सौ रुपए का कंज्यूमर सरप्लस हो गया अगर ये कीमत साढ़े आठ सौ होती तो मुझे डेढ़ सौ का ही होता अगर ये नौ सौ होती तो मुझे सौ का ही होता तो ये डिफरेंस को कहते हैं उपभोक्ता को और ये बात भी सही है कि कीमत के साथ इसका संबंध उल्टा होगा क्यों क्योंकि कीमत बढ़ेगी तो गैप कम होता जाएगा और इसीलिए हम कहेंगे कि सर कंज्यूमर सरप्लस के साथ रिलेशन यदि उपभोक्ता की आय चार सौ रुपए वस्तु ए और बी की एक्स और वाई इकाइया करता है एक्स की ए की की कीमत पांच रुपए बी की कीमत दस रुपए है तो बजट लाइन कैसी होगी देखो तो आपने कहा सर पांच रुपए की कीमत में के साथ एक्स को खरीदेगा दस रुपए की कीमत के साथ वाई को खरीदेगा और टोटल चार सौ रुपए लगाएगा फाइव एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू फोर हंड्रेड होगा क्यों उसकी आय तो 400 सौ चार, उसे चार ही खर्च कर रहे हैं इस तरह से पांच एक्स की दो वस्तुएं जो भी है, वो है या प्रतिस्थापन है सब्सिट्यूट है तो उनका जब ग्राफ बनेगा उनका जब एक ग्राफ बनेगा वस्तु वाई के मूल्य एवं गाजर की मांग के बीच का संबंध कैसा होगा जब आप कहोगे सर कोई भी एक कर्व बनेगा तो हमेशा याद रखना गाजर के बारे में सब्स्टिट्यूट के बारे में और जब इसका कर्व बनेगा कौन सा कर्व है द कैरेट एम डिमांड है तो अगर वस्तु वाई की कीमत वस्तु वाई के मूल्य में के संबंध को दर्शाएगा अपवर्ड होगा अपवर्ड क्यों तो देखो इधर वाई की कीमत होगी इधर एक्स की मात्रा होगी जैसे जैसे वाई की कीमत बढ़ेगी एक्स की मात्रा भी बढ़ेगी याद रखो वाई जितनी ज्यादा कीमत रखेगा क्योंकि वाई की उससे कम हो जाएगी भाई अगर आप वाई को देखोगे ध्यान से तो वाई के बीच में सवाल क्या कह रहा है y की कीमत और गाजर x की मात्रा दो वस्तु है ना तो आपने कहा सर ये ऊपर जाएगा क्यों इसकी कीमत बढ़ेगी तो इसकी जगह इसकी मांग बढ़ेगी इसको कहते हैं यदि एक व्यक्ति को अपनी सेवाओं के लिए मजदूरी दर में वृद्धि की प्रतिक्रिया में काम करते देखा जाता है इसका मतलब क्या देखो एक इंसान ये है कि मजदूरी की दर बढ़ रही है और वो इंसान उतना ही ज्यादा काम कर रहा है अमूमन क्या होता देखो जब मजदूरी बढ़ती है ना लोग काम करना छोड़ देते हैं तो सप्लाई कर्व जो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है जो लेबर सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग है क्योंकि लोग काम करना छोड़ देते हैं कीमत बढ़ती है मजदूरी बढ़ती है अगर वो ये कह रहा है कि मजदूरी बढ़ रही है और वो फिर भी काम कर रहा है तो हम इसका मतलब ये है उसके लिए आराम जो है वो एक घटिया वस्तु है वो आराम नहीं करना चाह रहा उसको आराम पसंद नहीं है चलो देखो भाई तो रेस्ट चीफ उसके लिए काम है तो उसके लिए याद रखना एक बेकार वस्तु उसको तो आराम नहीं करना है अगर वो आराम करता तो ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर वो होता जल हीरा विरोधाभास सुलझा नहीं पाए थे एडम स्मिथ किस वजह से बताइए क्योंकि एडम स्मिथ जो है इस बात को डिफरेंस नहीं कर पाए थे कि MU और TU MU और TU जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इसके बीच क्या संबंध है इसके बीच क्या अंतर है इसके बीच वो भेद नहीं कर पाए थे और इस कारण से वो जल हीरा कि कहते हैं ना जल जो जीवन के लिए जरूरी है फिर भी सस्ता है और हीरा जो जीवन के लिए जरूरी नहीं फिर भी महंगा है इसका संबंध वो नहीं डिस्क कर पाए थे जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी अगर इस पर सवाल आ जाए रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो हमें दी जाती है इस थ्योरी के अंदर हम क्या क्या एज्यूम करके चलते हैं क्या क्या मानकर चलते हैं तो हम यहां पर बहुत सारी एजम्स लेकर थ्योरीज बनाते हैं कोई भी और हमेशा रैशनैलिटी को बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स की हर थ्योरी कहती है रैशनैलिटी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी और ट्रांजिविटी होनी चाहिए क्योंकि जब ये दो तीन चीजें होंगी तभी आप कोई रियम बनाओगे तो यहां पर क्या होना चाहिए कंसिस्टेंसी और रैशनैलिटी और ट्रांसिविटी अगर कोई वस्तु गिफन वस्तु होती है तो इसका क्या अर्थ होता है किसी भी वस्तु को गिफन वस्तु का माना जाता है देखो हमेशा याद रखो यहां पर कुछ इनकम इफेक्ट है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है और उसके अलावा हमारे जो प्राइस इफेक्ट है इसको बिल्कुल एक एक करके मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है क्लास के अंदर याद रखना और मैंने आपको बताया हुआ है कि गिफन वस्तु में आय प्रभाव धनात्मक होता है और ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन भी होता है सर क्यों क्योंकि सब्सटिट्यूशन ऑलवेज नेगेटिव होता है चाहे कोई भी वस्तु हो सब्सिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है कि कोई भी वस्तु अगर महंगी होगी तो हमेशा दूसरे की डिमांड इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब आय इफेक्ट धनात्मक होगा अगर हम यह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो बहुत सारे आउटकम्स होते हैं उन आउटकम में से किस आउटकम को चुनना पसंद करेगा एक उपभोक्ता अगर विवेकपूर्ण है और वो कोई भी डिसीजन लेता है कोई भी वस्तु खरीदने के लिए तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है देखो ग्राहक जो ले रहा है ना उसको एक ही चीज देखनी है मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा जहां ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा जहां उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी जहां उसको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी जहां ज्यादा उपयोगिता मिलेगी वहां पर वो डिसाइड करेगा जब कीमत इफेक्ट को डिसाइड करते हैं तब हम किस चीज को स्थिर मान लेते हैं जब हम ये कहते हैं प्राइस बढ़ेगा या प्राइस कम होगा और उससे इनकम इफेक्ट बढ़ेगा उससे हमारा सब्सटीट्यूशन बढ़ेगा हम यहां यह कहते हैं उसकी मॉनेटरी इनकम चेंज नहीं होगी क्योंकि प्राइस के कम ज्यादा होने से उसकी रियल इनकम चेंज होती है भाई आपके पास सौ रुपए हैं कोई प्रोडक्ट दस रुपए का आता है रुपए सो ही रहेंगे ठीक है तो यहां पर आप कहेंगे कि सर दस रुपए का है तो दस प्रोडक्ट हो गए यही अगर आठ रुपए का हो जाएगा अब आपको साढ़े बारह प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो रियल इनकम का डिफरेंस तो हो होगा लेकिन जो हमारी मनी इनकम है उसमें कोई चेंज इससे नहीं होगा यह इससे रहेगी किसने मांग की लोच का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे पहले कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया था सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मार्शल ने समझाई थी गणनावाचक यूटिलिटी जो होती है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम जब दो वस्तुएं लेते हैं तो हमेशा याद रखना संतुलन वहां पर होगा संतुलन की शर्त बराबर होना जहां एमयूएक्स अपन पीएक्स यानी एमयू एक्स यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी वाई यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी और मनी की मार्जिनल यूटिलिटी सब बराबर होंगे संतुलन के लिए सबका बराबर होना आवश्यक है अगर कोई भी एक सीधी रेखा है तो उसके अंदर दो अक्षों में मांग लोचदार कब होगी मांग ग्रेटर देन वन कब होगी अगर डिमांड इस तरह से बनाई जाती है और इस पे हम मिड पॉइंट देते हैं बीच में पॉइंट देते हैं लास्ट में पॉइंट देते हैं यहां ईडी वन होता है यहां ग्रेटर देन वन यहां पर इनफाइनाइट यहां लेस देन वन और यहां जीरो अब ये पूछ रहा है लोचदार यानी ग्रेटर देन वन कब होगा मिड पॉइंट के ऊपर होगा जब ग्रेटर देन वन आएगा यदि x जो है वो हंड्रेड बाई पी है और p हमारा 100 दिया है तो मांग की लोच क्या होगी इलास्टिसिटी क्या होगी देखो हमें यहां पर इलास्टिसिटी निकालनी होगी हमें x दे रखा है x का मतलब यहां q q मान लेता हूं हमें दे रखा है बेसिकली 100 बटा पी और p दे रखा है दस यानी 100 बटा दस तो q हो गया हमारे पास 10 इसे x कह दो या q कह दो p हमारे पास ऑलरेडी 10 दिया हुआ है अब हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू अब मेरे पास पी भी है क्यू भी है लेकिन मुझे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी चाहिए इसको मैं क्यू मान लेता हूं अगर एक्स मान लेता हूं तो सर ये कहां से निकलेगा देखो हमें जो क्यू दे रखा है वो दे रखा है हंड्रेड बाई पी और पी को हम ऊपर लेकर आ सकते इस तरह से अच्छा अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं अगर मैं क्यू का डेरिवेटिव कर दू तो यह हो जाएगा डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी करूंगा तो यह हो जाएगा हंड्रेड माइनस आगे आ जाएगा और पी की पावर माइनस टू हो जाएगी क्योंकि हमेशा एक कम हो जाता है अगर आपने डेरिवेटिव सीखा होगा तब तो सर ये डेरिवेटिव करते हैं इस तरह से और ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी हो जाएगा और इनटू में पी बाई क्यू हो जाएगा अब यहां से जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप इन वैल्यूज को पुट करने के बाद आंसर निकाल सकते हैं भाई और ये माइनस हंड्रेड माइनस पी यानी माइनस हंड्रेड बाई पी बाई टू पी स्क्र अब आपके पास ये माइनस हंड्रेड बाई पी स्क्र है यहां भी दस बटे में दस है और इन सबका सॉल्यूशन एक आएगा वन आएगा जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो वन आएगा अगर आपको ये डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं समझ नहीं आ रहा भाई तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा इसके लिए एक डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट रहता है हम जब मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं और जब हम डिमांड सप्लाई निकालते हैं हर जगह पर डेरिवेटिव करना होता है हमें अगर किसी वस्तु की कीमत दस रुपए है बढ़कर बारह हो जाती है और उस पर होने वाला खर्च बढ़कर एक रुपए से एक सौ हो जाता है तो वस्तु की लोच क्या होगी देखो तो याद रखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लागू होगा जब जब प्राइस बढ़ते हैं और साथ में खर्चा भी बढ़ जाता है प्राइस के बढ़ने पर अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो उसकी इलास्टिसिटी जीरो नहीं आएगा ना भाई सारा कट जाएगा कृष्ण कुमार कृष्ण मेरे भाई ये देखो इससे ये कट जाएगा सारा और जब कट जाता है तो वैल्यू वन बचती है ना वहां पर भाई जीरो कब होता है माइनस कर रहे होते तो जीरो आता यहां तो कट कर रहे हो मल्टीपल कर रहे हो मल्टीपल में कभी जीरो नहीं आता तो आपने कहा सर अगर ऐसा है तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं किताब में इसका गलत आंसर है जहां से मैंने क्वेश्चन लिया गलत आंसर दिया है याद रखना कीमत दस से हो जाती है और खर्चा एक से खर्चा लिखा है मात्रा नहीं लिखी है उस किताब में यूथ पब्लिकेशन की बुक का क्वेश्चन है और उस किताब में क्या करा गया है सर इसके लिए उन्होंने यहां पर इसको क्वांटिटी मान के सॉल्व करके दिखाया और वो गलत बन गया है फिर यदि मांग वक्र अति परवले हो तो वस्तु बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी देखो याद रखो अगर ऐसा कोई कर्व बनता है इसे रेक्टेंगुलर हाइपर बोला कहते हैं सर और इसकी जो लोच होती है वो वन होती है इसकी जो लोच रहती है वो हमेशा एक रहती है और जब कोई लोच वन होती है इसका मतलब है उसके हर बिंदु पर मांग की लोच जो होगी उसका इस, व्यय स्थिर होगा क्यों जब कीमत घटे या बढ़े लेकिन हमारे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो कीमत घटे या बढ़े एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो तब हमारे पास हमेशा वन आती है और वन केस में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है मांग का संकुचन कब होता है देखो जब मांग का विस्तार होता है मांग का संकुचन जब कीमत की वजह से मांग बदलती है उसे मांग का विस्तार मांग का संकुचन कहते हैं और कीमत के अलावा किसी कारण से मांग बढ़ती घटती है उसे वृद्धि और कमी कहते हैं सर तो मांग का संकुचन मांग का विस्तार जब भी होता है यह उस वस्तु की कीमत की वजह से होता है याद रखना उस वस्तु की उस संबंधित उस रिलेटेड आइटम्स तो उसी वस्तु की अन्य वस्तु की नहीं उसी वस्तु की कीमत की वजह से संकुचन होगा दुर्लभ चित्र दुर्लभ टिकट इनकी मांग पर कौन सा प्रभाव होता है देखो तो यहां पर याद रखना बहुत सारी दुर्लभ चीजें होती हैं अब बहुत सारे लोगों को ये पसंद होती है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती तो भाई बहुत सारे दुर्लभ चित्र कितने भी सस्ते हो जाए मेरे लिए वो किसी काम के नहीं है भाई यानी अगर कीमत कम हो जाए और उसके बाद भी उसकी मांग ना बढ़े कीमत के कम हो जाने के बाद भी उसकी मांग इंक्रीज ना करे उसे स्नोब इफेक्ट कहते हैं दुर्लभ चित्रों पर यह इफेक्ट लागू होता है स्नोब इफेक्ट अगर कोई पैन की कीमत दस और मांग सौ रुपए है और कीमत घटकर पांच हो जाती है और मांग बढ़ के एक सौ पचास कीमत दस से पांच पर आ जाती है और मांग सौ से डेढ़ सौ पर आ जाती है यानी कीमत में पचास परसेंट की कमी हो जाती है मांग में पचास परसेंट की वृद्धि और मांग में वृद्धि डिवाइड बाई कीमत में वृद्धि कर देते हैं तो हमेशा आंसर आ जाता है जो कि एक होगा बड़े आसान क्वेश्चन भी है यहां पर यह हमें पता है सर कीमत दस से पांच होने का मतलब पचास परसेंट कम डिमांड सौ से डेढ़ सौ होने का मतलब यह कि मांग पचास परसेंट ज्यादा हो गई इसका मतलब है कीमत की लोच एक आएगी आएगीब्रियम इज ए कंडीशन वेयर जब हम कोई भी इक्लिब्रियम बनाते हैं इसका क्या मतलब है ग्राहक संतुष्ट होता है उपभोक्ता संतुष्ट होता है उत्पादक संतुष्ट होता है फर्म संतुष्ट होती है कंज्यूमर यह खुश होता है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूसर सोचता है मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है एक फर्म सोचती है कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट हो रहा है साम्य की स्थिति में सब बराबर हो जाते हैं और सभी एक दूसरे को बेनिफिट अब इस क्लास के जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है मेरे भाई उन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखना है आपको हर एक सवाल इसमें करना है और इसकी पूरी फाइल जो है क्योंकि अस्सी क्वेश्चन मैंने यहां लाइव क्लास में कराए और बीस क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको यहां पर दूंगा इस फाइल के साथ लेकिन वो क्वेश्चनों को अब आपको करना है यहां क्लास के अंदर तो अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे भाई पूरी इफर्ट्स करेंगे पूरी मेहनत करेंगे कोई सवाल मिस नहीं करेंगे मैंने स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिए थे मैंने यहां पर लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए और मुझे लगता है कि अब टीआरई थ्री वालों के पीजीटी वालों के लिए मैं कोई क्लास नहीं कराऊंगा हाँ अभी सिक्स टू एट वालों के लिए सोच सकते हैं एक बार जरूर डी ट्रिपल एस वालों के लिए सारी तैयारी जो टीआरई वालों की थी वो सारी की सारी डी ट्रिपल एस बी वालों की थ्योरी थी वो सारे क्वेश्चन हो गए बीस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए रोक रहा हूं जो आपको एफर्ट्स करने हैं सोचना है याद करना है देखना है भाई और यहां पर सर तीन दिन और हैं अभी तो कोशिश करूंगा मैं लाने की कुछ नया और बीपीएससी टीआर वालों के लिए इकोनॉमिक सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी कोशिश रहेगी उस पर एक वीडियो बनाई जाए आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे पर लाया जाए कुछ इच्छा सा और मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की हैं अब आपकी बारी है भाई ठीक है मैंने पूरा कंसेप्ट करवा दिया है सारा का सारा थैंक यू एवरी वन थैंक यू सो मच